अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यानी मैकेनिक्स स्टैटिक्स जो हिबलर की बुक है, आरसी हिबलर की 12th एडिशन, उसका थर्ड चैप्टर जो चैप्टर नेम है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा 3.1 है, इसमें कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो स्टार्ट में हमने, जैसे कि आपने सेकेंड ईयर या 10th में भी पढ़ा होगा कि कंडीशंस कौन सी होती हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल्स की, तो अ पार्टिकल इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम। तो उसमें जो कंडीशंस होती हैं, इफ़ वो रिमेंस मतलब रेस्ट पोजीशन पे हो, ओरिजिनली रेस्ट हो, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो भी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वो कैसे, एक तो इक्विलिब्रियम की टर्म है कि आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होती है, उसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट पोजिशन में होता है। रेस्ट मतलब कि उसके ऊपर कोई भी, उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो कैंसल आउट होती हैं, यानी कि उसका जो रिजल्टेंट फोर्सेस होती हैं वो ज़ीरो होते हैं। ये नहीं है कि उसके ऊपर फोर्सेस लग नहीं रही होती, मतलब कि जो उसका रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्सेस होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम मैथमेटिकली इसकी कंडीशंस बताते हैं, या इसको वेक्टर सम कहेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी जो कंडीशंस होती हैं ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक होती हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि आपकी जो बॉडी है अगर वो अगर आप उस पर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स एक्ट नहीं करते तो वो रिमेंस रेस्ट पोजीशन पे ही रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो सेम इसी तरह आपके पास इसमें एक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसके मुताबिक जो हमने सेकेंड दूसरी बात की थी कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा तो भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। तो सेकेंड लॉ का जो फार्मूला है मोशन का वो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए एफ। तो इसमें अगर हम बात करें कि सिग्मा एफ जो है आपके पास सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो है, इसका मतलब एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। जब मतलब मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये होगा या मैस इज इक्वल टू ज़ीरो होगा या एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो होगी, या मैस या एक्सीलरेशन दोनों ज़ीरो हो तो आपके पास रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। जो मैस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका मैस कोई ना कोई लाजमी होता है। इसका मतलब ऑब्वियस क्लियर है कि एक्सीलरेशन ज़ीरो होती है, और एक्सीलरेशन उसी कंडीशन में ज़ीरो होती है जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा हो या आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजिशन पे हो, तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होंगी। देन नेक्स्ट आपका है दी फ्री बॉडी डायग्राम्स। ये हमने स्टार्ट में सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कितनी इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए, ताकि उसके बाद आपका ओवरऑल न्यूमेरिकल या कोई भी एनालिसिस आपका स्टार्ट होगा। तो अप्लाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी मस्ट अकाउंट फॉर ऑल दी अननोन एंड नॉन फोर्सेज। आपने उसमें से पहले उसके डायरेक्शंस देनी है ताकि बाद में आपको पास क्लियर हो सके। द बेस्ट वे टू डू दिस इज टू थिंक ऑफ द पार्टिकल इज आइसोलेटेड एंड फ्री फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, कि वो पार्टिकल आपका आपका वो ऑब्जेक्ट क्लियर है या उसकी सराउंडिंग से उसका आपने मतलब सराउंडिंग के हिसाब से आपने अलग अलग हर जो है कि ऑब्जेक्ट इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देन उसको ओवरऑल कंबाइन करेंगे। अ ड्राइंग दैट शोज द पार्टिकल विद ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन इट इज कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फर्दर क्लियर होगा। इसमें आपके पास दो तीन चीज़ें हैं जिसके आप फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास स्प्रिंग्स हैं। इफ़ अ लीनियरली इलास्टिक स्प्रिंग और अ कॉर्ड ऑफ अनडिफॉर्म लेंथ एल नॉट इज यूज टू सपोर्ट अ पार्टिकल। सपोज ये आपके पास स्प्रिंग है तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी आपके पास वो एल नॉट थी, ठीक है। देन आपने एक फोर्स एक्ट की जिसके बाद उसकी जो लेंथ होगी वो एल होगी। इसका मतलब जो आपके पास एस होगा वो चेंज इन लेंथ होगी, जैसे जिसको हम एलोंगेटेड कहते हैं। अगर एलोंगेटेड होगी तो आपके पास पॉजिटिव एस आएगा, अगर आपके पास कंप्रेस होगी तो ऑब्वियसली बात है वो माइनस एस आएगा, मतलब आपके पास जो लेंथ होगी वो ओरिजिनल लेंथ से भी कम होगी। जो एस होगा वो पॉजिटिव है, इसका मतलब लेंथ माइनस एल नॉट इज इक्वल, आपके पास ये पॉजिटिव है। तो एफ इज इक्वल टू के एस, ये आपने देखा होगा जिसमें जो के होता है वो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एस की होती है वो चेंज इन लेंथ होती है। इफ एस इज अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंट एलोंगेशन देन एफ मस्ट पुल ऑन द स्प्रिंग। अगर एस पॉजिटिव होगा इसका मतलब उसके ऊपर पुल आ रही है, अगर एफ नेगेटिव होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर आपके पास पुश हो रही है, जो फोर्स होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
ये आपको उसमें उसने एक छोटा सा न्यूमेरिकल या छोटी सी एग्जांपल के तौर पर भी बताया हुआ है। इफ मतलब कि जो आपके पास फिगर है, इफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ अगर 0.8 मीटर है एंड स्टिफनेस जो है, जैसे कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कह सकते हैं या स्टिफनेस है, वो 500 न्यूटन मीटर है। अगर हम उनको स्ट्रेच करें तो 1 मीटर होगी है। इसका मतलब आपने उसको पुश सॉरी पुल किया है तो 1 मीटर होगी। इसका मतलब चेंज इन लेंथ आपकी 0.2 पॉजिटिव में है, तो आपके पास फोर्स कितनी होगी, 500 मल्टीप्लाई आपके पास 0.2 होगी, तो आपके पास 100 न्यूटन बनेगा। सेकेंड वन, आपके पास केबल्स हैं, पुलीज हैं। ये ज़्यादातर आप डिटेल वैसे इसकी सेक्शन 7.4 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे है कि अल्सो ए केबल कैन सपोर्ट ओनली अ टेंशन और अ पुलिंग फोर्स एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द केबल। मतलब जो इसके ऊपर केबल के ऊपर सिर्फ टेंशन और अ पुलिंग फोर्स लग रही होगी, इसको हम टेंशन कह सकते हैं या और पुलिंग फोर्स भी कहते हैं, और ये हमेशा उस डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में केबल होगी। इसमें जहाँ पे देख रहे होंगे ये ओवरऑल केबल की डायरेक्शन है, और ये इसमें केबल की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे टेंशन दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक किसकी, मतलब कि इस डायरेक्शन में होगी केबल इन टेंशन, मतलब ओके इस ये केबल की डायरेक्शन है, दूसरे ये केबल की डायरेक्शन है, तो इस वक्त आपके पास ये टेंशन फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। और जो आपके पास पुली है इसको आप नेग्लिजिबल मास के तौर पे ऐड करेंगे, मतलब इसका कोई भी मास को अकोमोडेट नहीं कर रही होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट आपके पास, जैसे इन्होंने ये आपके पास एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाई हुई है, तो इसमें क्रेन ऊपर की तरफ इसका वेट मतलब कि इसको लिफ्ट कर रही है। दिस पुल हैज़ अ वेट W, तो उसको मतलब लिफ्ट कर रही है एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम दी क्रेन बूम, ये इस क्रेन बूम के साथ एक्ट कर रहा है। इफ़ यू विश टू ऑबटेन दी फोर्सेज इन द डायरेक्शन AB एंड AC, तो ये आपके पास केबल की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में आपके पास दो टेंशन फोर्सेज आ जाएंगी। तो हेयर द केबल AD एग्जर्ट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ W ऑन द रिंग एट द कंडीशन इक्विलिब्रियम इज यूज टू ऑबटेन TB एंड DC, और ये आपके पास इस तरफ आपके पास जो वेट एक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर को आपके पास इसको पुल कर रही है। ये आपके पास फर्दर एग्जाम्पल 3.1 है, इसको देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो उन्होंने बताया हुआ द स्फेयर है आपके पास 6 kg का, इस सपोर्टेड ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फेयर द कॉर्ड CE, इस कॉर्ड CE की फ्री बॉडी डायग्राम एंड द नॉट एट सी, इसकी इस पूरी इसकी आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फर्स्ट हम स्फेयर की देख लेते हैं। इस स्फेयर पे आपके पास ओवरऑल 2 टाइप ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट इस वेट है, वेट की ओवरऑल जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, और सेकंड जो होगी वो आपके पास फोर्स एक्ट कर रही है द डायरेक्शन ऑफ अ केबल, तो वो फोर्स आपकी अपवर्ड होगी, उस फोर्स को CE होगी, मतलब CE वो डायरेक्शन में फोर्स ऑफ कोर्स CE एक्टिंग होना, स्फीयर जो उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, सॉरी पुल के ऊपर की तरफ जो खींच रही है वो CE है, और जो डाउनवर्ड है वो वेट है। विद देर आर ओनली 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर, नेमली इट्स वेट एंड द फोर्सेज ऑफ कॉर्ड सी द फ्री बॉडी डायग्राम। सेकेंड वन, आपके पास जो कॉर्ड है वो CE है, उसमें डिपेंडिंग ये आपके पास डिपेंडिंग कॉर्ड CE इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इट्स फ्री बॉडी डायग्राम शोज ओनली 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। उसने कॉर्ड CE को कहा था, ये आपके पास कॉर्ड CE होगी है, तो आप उसको अपने सराउंडिंग से जब बिल्कुल अलग किया तो ये आपके पास सिंपल एक कॉर्ड आ गई है। इस ये आपके पास कॉर्ड, इसमें हमने क्योंकि सराउंडिंग से किया तो इसमें स्फीयर और बाकी जो ये स्प्रिंग है उसको हम शो नहीं करेंगे। नोटिस दैट फॉर CE शोन हेयर इज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ जो फोर्स EC और CE जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये दोनों हैं इक्वल, शोन इन इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट इन शोन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन आल्सो फोर्स CE एंड EC पुल ऑन द कॉर्ड एंड कीप इट इज इन अ टेंशन सो इट डज नॉट कोलैप्स, फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स CE इज इक्वल टू फोर्स EC। थर्ड नॉट की है, द नॉट एट सी इज सब्जेक्ट टू बिट 3 फोर्सेज, के ऊपर 3 फोर्सेज लग रही है, एक तो आपके पास फोर्स
एफ सी ई है, जो आपके पास ये डाउनवर्ड में जो केबल के डायरेक्शन में है, एक आपके पास स्प्रिंग की डायरेक्शन में, स्प्रिंग की वजह से जो लग रही है, एक जो आपने जो ये अटैच किया हुआ है इसकी वजह से एक फोर्स ये लग रही है, सी बी ए। तो ये क्योंकि ये भी केबल के डायरेक्शन में फोर्स सी बी ए सी बी आपके पास एफ सी डी बी दे आर कॉज बाय द कोर सी बी एंड सी एट द स्प्रिंग सी डी एज रिक्वायर्ड द मेन फोर्स बॉडी डायग्राम शोज ऑल द थ्री फोर्सेज लेबल्ड विद देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट द वेट ऑफ दिस फेट डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन दी नॉट स्टैंड द कोर सी इज सब्जेक्ट टू दी नॉट टू दिस फोर्स। इसका मतलब जो आपके पास वेट है वो डायरेक्टली आपके पास जो एक्ट नहीं कर रहा है इस नॉट के ऊपर। ये बेसिकली ओवरऑल इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है।